यहाँ पे वॉशरूम दिखाता हूँ। वॉशरूम बड़ा है यहाँ पे ना, एंटिक सा बना हुआ है। खाना खा लो कभी भी। वेलकम, दिस इज तला खान। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल तला खान ब्लॉग्स में खुश आमदीद कहते हैं। पुराने तो जी लाइक करें, नए तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा है पुराने तो कमेंट शमेंट करें, बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। तो जी आज आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह इस गेटअप में है, दुबई में जी। अभी भी कम टू दुबई, फुल अरबियों वाला हमने थोड़ा गेटअप करा है। हमने कहा नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं और अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं और बस अपने भाई का वेट कर रहा हूँ और हमारे दोस्त हैं गुज्जर भाई, उनका वेट कर रहे हैं। फिर नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद बाकी बातें होती हैं क्योंकि देर हो रही है। और हम दोनों भाइयों ने अपना सेम गेटअप रखा है, फुल अरबियों वाला। ये भी आ गए जी, क्या हाल है? ईद मुबारक मेरे भाई। बस नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं ऐसे है। और माशाल्लाह क्या बात है। अब हमारा थोड़ा गेटअप भी दिखाएं ज़रा भाई, फुल। अभी भी कम टू दुबई वाला अबूबन, खाना खा लो कभी भी। जी गुजर भाई आ गए, निकलते हैं जी नमाज़ पढ़ने के लिए। ओए ओए ओए, पाँव फंस गया था। तो जी आज है मेरा पहला दिन दुबई में, ईद का पहला दिन अल्हम्दुलिल्लाह। और मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है। हाँ आएगी, क्या प्यारा मौसम हो रहा है जी। दुआ नहीं करवाई मौलवी साहब ने यार, जल्दी में दुबई में बहुत जल्दी होती है। चलो मेरा भाई, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक। ईद मुबारक भाई, खैर मुबारक, मंजी मुलाई मुबारक भाई। ईद मिले, ईद मिले भाई, ईद मुबारक, ईद मुबारक। मैं यार दुआ का सोच रहा था यार, मैं दुआ नहीं करवाई यार मौलवी साहब ने। हम इतनी देर से बैठे हुए हैं कि मौलवी साहब जो है अभी दुआ करवाएंगे, यकीन करो सब उठ गए। मौलवी साहब ने दुआ नहीं कराई इतनी जल्दी में यार। चलो खैर, दुआ हमने कर ली है, चलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं जी घर, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली ईद की। और ईद की जब तक ईद नहीं होती जब तक हम नमाज़ नहीं पढ़ते, सही है। उसके बाद होता है सेकंड की शीर खुरमा। ईद की जो सौगात है ना, मतलब शीर खुरमे मज़ा आ जाता है, यकीन करो। है मेरे भाई, जब तक शीर खुरमा नहीं हो नमाज़ के बाद ईद पे, तो तब तक मज़ा नहीं आता ना। लेकिन करो और मेरे भाई के साथ पहली ईद है दुबई में, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम दोनों भाई साथ हैं। और क्या चाहिए, अभी भी कम टू दुबई। ईद हमारी पाकिस्तान के साथ हुई है, मैं भूल गया था। और ये बड़ी अच्छी बात है यार कि पाकिस्तान और दुबई में एक साथ हो गई ईद, तो मज़ा आता है फिर विश करने में, वरना आगे पीछे हो जाता है यार जैसे। लेकिन रमज़ान जो है ना, पाकिस्तान में 29 हुए रोज़े, 29 गए, और दुबई में पूरे 30 रोज़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या सही, क्या बात है। जो है ना भाई, ये सीन है कि अब जैसे हम नमाज़ पढ़ के आ गए ना, जो लोग जॉब पे जाना होता है तो यार वो दुबई में जॉब पे जाते हैं, ईद की छुट्टियां नहीं होती यहाँ पे कुछ लोगों की, सबकी नहीं। लेकिन पाकिस्तान में तकरीबन जो है ना 100 में से 90% लोग जो है ना छुट्टी पर होते हैं, तो वो छुट्टी मनाते हैं ईद की। लेकिन दुबई में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर लोग जॉब्स करते हैं, क्योंकि भाई ये लाइफ है दुबई की, बिजी लाइफ है। अभी हमारा भाई भी जॉब पर चले आएगा, हम भी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो हम भी अपने काम पे निकल जाएंगे, यही। और बाकी रात का सीन है इंशाल्लाह। हाँ तो मेरे भाई यार, मैं ईद मुबारक कहना आप लोगों को भूल गया था यार, बहुत बहुत ईद मुबारक। तो हम थोड़ा सो गए थे नमाज वगैरह पढ़ के, उसके बाद हम उठे, हम अपनी थोड़ी ड्यूटी जो करनी होती है, हम अपनी ड्यूटी करने आए। वैसे अपनी ड्यूटी होती है रात, लेकिन आज हम आ गए दोपहर में। तो ड्यूटी हमारी ये है बस, हम अपनी स्कूटी उठाते हैं यहाँ पर, हम करते हैं छोटी मोटी डिलीवरियाँ वगैरह करते हैं, क्योंकि यार यहाँ पर जो है ना जो काम मिले ना मेरा भाई पकड़ लो, पैसा पैसा है, यकीन करो। लोग बोलेंगे यार डिलीवरी के काम में, यकीन करो पाकिस्तान से ज़्यादा पैसा है, इसीलिए लोग पागल नहीं है कि दुबई आके पैसा कमाना है। तो भाई दुबई जाओ या किसी भी मुल्क जाओ, जो काम मिले ना खुशी खुशी करो, इंशाल्लाह अल्लाह जो है ना वक्त आने पे कहीं ना कहीं पहुँचा ही देगा। तो मेहनत करते रहो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता मेरा भाई, सही है ना। तो इंशाल्लाह बस हमारी ड्यूटी ख़त्म होने वाली है, 5-6 घंटे हम ड्यूटी करते हैं, कुछ पैसे मिलते हैं, अपना खर्चा पानी हो जाता है, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। बाकी हम चलते हैं अपने घर और हम रेडी होते हैं
और उसके बाद और आज शीर खुरमा नहीं गया, आज टाइम लग गया था, शीर खुरमा हमारी भाभी बना रही थी, शीर खुरमा भी खाते हैं। चलिए सब्सक्राइब कीजिए इसी बात पर। भाई हमारे असगर भाई आ गए, क्या हाल है असगर भाई, कैसे हैं? ईद मुबारक। खैर मुबारक। खैरियत से? ठीक ठाक। और क्या कर रहे हैं? बस यही, हम अपने व्यूवर्स को हम यही बता रहे थे कि भाई दुबई की जो जिंदगी है ना वो यही है। देखो साइकिल, साइकिल पे आए काम करने के लिए, काम करने आए, छुट्टियां मनाने गए, काम कर रहे हैं भाई। बस यही है कि भाई दुबई आओ या किसी भी मुल्क जाओ, काम छोटा बड़ा नहीं होता, कर लो। बस काम वक्त के साथ इंसान कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है। सही है ना? तो बस हाँ, घर पे बैठने से अच्छा कुछ काम करो, जाओ। फाइनली जी शीर खुरमा आइए था, अब हम शीर खुरमा खाते हैं, उसके बाद हम निकलते हैं जी बाहर, थोड़ा घूमते फिरते हैं, और शीर खुरमा बड़ा मस्त लग रहा है, खाते हैं। तो जी अब हम निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ, लॉक ब्रिज पे। लॉक ब्रिज दरअसल वो मोहब्बत और आशिकों का गढ़ है, जहाँ पे लोग समझते हैं कि वो ताला लगाने से जो है ना उनको वो लड़की मिल जाएगी या वो लड़का मिल जाएगा, लेकिन यकीन करो जो ऊपर वाले के हाथ में होता है जी वही नसीब में आना होता है, यकीन करो, वरना तो केले के छिलके के अंदर से केला नहीं निकले। एक लंदन में भी बना हुआ है, तो एक दुबई में भी बना दिया उन्होंने, कहा भाई आशिक जगह जगह फैले हुए हैं भाई, बहुत चलेगा, बहुत चलने वाला है, तो वहीं जा रहे हैं। हमारे साथ पायल भी जाएगी और शुएब भाई भी हैं, तो हम पूरा वाहवा फुल भर के जाएंगे लोग, ये वाहवा फुल कराची वाला सीन है। पायल आ गई है, ईद मुबारक भाई। ईद मुबारक गाइस, आप मुबारक, सब मुबारक, ईद मुबारक हमारी तरफ से, ईद मुबारक। अरे शोएब भाई भी आ गए भाई, शोएब भाई भी आ गए भाई, क्या हाल है? क्या हाल है शोएब भाई, कैसे हो? क्या हाल है शोएब भाई, खैरियत से? ठीक ठाक। मैंने दो कर दिए, आधी शोएब भाई के लिए, आधी शोएब भाई के लिए, आधी पायल के लिए। फाइनली जी ये आ गया है जी, द लास्ट एग्जिट यहीं पर ही है ब्रिज। फाइनली जी पहुंच चुके हैं हम लोग लॉक ब्रिज। लॉक ब्रिज सिर्फ हम सिर्फ वो नहीं होता कि यार मोहब्बत मोहब्बत के लिए, अभी ये रोजी ने बताया हमें, वो होता है कोई भी विश मांग सकते हैं उस पर, तो कोई भी विश मांग सकते हैं जी, क्या बात है। और देखते हैं क्या सीन है यहाँ का, जगह दिखाओ भाई, ताले देखने हैं, ब्रिज ब्रिज लगा दी, खत्म करो भाई, आप कड़क बाइक जा रही है, यकीन करो, आई लव कार्स, आई लव बाइक्स। यार ये ज़ॉम्बीज की है, बी सेफ की है क्या ये, पता नहीं क्या है, खटारो हुई है गाड़ी, सही बोल रही, कुछ तो हो गई यार इसका बैग, वो हिस्ट्री तो कुछ होगी, ऐसे ही तो नहीं खड़ी होगी है, कराची थोड़ी है कि जली जली हुई गाड़ी खड़ी कर दी। ये लोग पहले यहाँ पे इसमें मछलियाँ सप्लाई करते हैं और खजूरे हैं। अबे भाई, ओड़े भाई ये चेक करें आप गाड़ी, ओए 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 क्या कलर है गाड़ी का भाई, फुल कड़क गाड़ियाँ आई हुई हैं, यकीन करो भी खड़ी हुई है इस तरह क्या इस गाड़ी, इन गाड़ियों में कुछ तो हिस्ट्री तो होगी। मतलब इस गाड़ियों को कोई तो मकसद होगा खड़ी करने का यार, यार दी लास्ट एग्जिट जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कोई मूवी है, मूवी का कोई सीन है, इंसानों को काटते थे ये वो, दी लास्ट एग्जिट एक मैंने मूवी है कोई, ये दी लास्ट एग्जिट कैफे वगैरह ये पूरा बना हुआ है, लव ब्रिज, लॉक ब्रिज है, लॉक ब्रिज, लॉक ब्रिज, हाँ वो रहा लॉक ब्रिज सामने, आप लोग सर्च करेंगे ना जब यूट्यूब पे चलो ना, कहाँ जा या गूगल पे रास्ते के लिए, तो पता चल जाएगा दुबई में, लेकिन दिख गए मतलब इसी तरह का है यार ये देख, अच्छा इन लोग ने इस तरह बनाया हुआ है, ये देखें जोम्बीज वगैरह इस तरह के होते हैं ना शायद, कटे पिटे हुए जोम्बीज नहीं इंसानों को काटते थे ना, हाँ ये देखो ये बैठा हुआ पूरी जगह ही हुई, हाँ ये भी देखो ये इस तरह का कुछ बनाया हुआ है इन लोगों ने, इस तरह का कुछ है, कुछ तो है ले आ।
बड़ी खूबसूरत जगह है। यह है प्रॉमिस ब्रिज, प्रॉमिस ब्रिज ये है जी। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं यहाँ पे, ये देखें काफ़ी पुराने लोग हैं ये। इसके अंदर चाबियाँ भी बहुत सारी होंगी, लोग यहाँ पे ताला लगा के पानी में चाबी फेंक देते हैं, ज़्यादा हो गए इसलिए पानी ऊपर आ गया। देखिए कितने लोग लगे, यकीन करें कराची में होते कब के ना हमारे चर्ची मोहाली ले भी जाते हैं ये ताले तोड़। ये क्या माचो? हाँ ना होंगे कोई नाम है याचू। हाँ ना अलग अलग किस्म के लोग हैं भाई, उनके नाम समझ में तो नहीं आ रहे। हाँ अलजिनान ये भाई कितने हैं, देखे जंग आलू ताले हो गए हैं बाबा, यूनिक है भाई कराची की बाइक है यूनिक। हाँ चलो भाई, ये तो देख ये जज्बाती कोई आशिक होगा जिसने इतना बड़ा सांड जैसा ताला लगाया, यकीन करो। ये ताले चेक करे भाई, ये लिखा हुआ अम्मू 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 लिखा हुआ है। अलग अलग किस्म के ताले हैं यहाँ पे। और तुम लोगों को ताला वाला लगाना, ताला नहीं लगाना गाइस, हम देखने आए ताला, इस बार देखने आए नेक्स्ट बार हम लगाएंगे। चाबी फेंक देना फिर उसमें, और फिर अगले हम भैया के लिए एक ढूंढेंगे, जब भैया आएंगे ताला लगाएंगे गाइस। हाँ ताला फेंकेंगे, ताला फेंक के चाबी रख लेंगे। ये लो हमें दूसरा ब्रिज दिख गया, वो ज्यादा खूबसूरत हो रहा है। चलो वहाँ चलते हैं, किसी ने ब्रिज ना निकल जाए पानी में टूट के, मैं तक तो निकलेगा तो नहीं इतना सा तो पानी। ये देखें भाई इस पे भी ताले ही ताले लगे हुए, कितना खूबसूरत ब्रिज है। चलो भाई ओ तेरी, ये इस पे भी ताले लगे हुए हैं भाई, ढेर साल हैं। ये अच्छा लग रहा है चमकता हुआ फूल। सबने ताले लगाए, इस बंदे के पास ना ताला नहीं होगा, इस बेचारे ने इस पे लिख दिया वाइटो से मोहसिन और चीना। अरे मोहसिन और चीना पाकिस्तानी और कोई चाइनीज है, मोहसिन और चीना लिखा हुआ है। चीमा चीमा आई विल लव यू टिल माय डेथ। ओए ओए मैं तो पागल बनाते हैं भाई ये लोग। चले जी लॉक ब्रिज हो गया, अब क्या है भाई, ये भी बड़ा प्यारा व्यू है, क्या खूबसूरत व्यू है। होए होए सामने व्यू अच्छा है, सामने ना अच्छा लग रहा है ना, खूबसूरत लग रहा है। ये भी बड़ी खूबसूरत जगह है, लाइटें 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 लाइटें। चलो भाई करें यार, कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। ये देखें ये रेस्टोरेंट है यहाँ का, बहुत प्यारा बनाया हुआ है, मतलब एक अलग ही लुक बनाया हुआ पूरा। तो यहाँ पे वॉशरूम दिखाता हूँ, वॉशरूम बड़ा है यहाँ पे ना, एंटिक सा बना हुआ है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये बड़ा प्यारा सा एक वॉशरूम उन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा ये पानी निकलने का जो स्टाइल है ना, ये बड़ा एंटिक है। ये देखें ये एक्सीलेटर, देखें गाड़ी का एक्सीलेटर है, इसको हम दबाएंगे और पानी यहाँ से आएगा। अलग ही यूनिक स्टाइल है। हमने वॉशरूम भी देख लिया, मतलब एक अलग ही इन लोगों ने एक सस्ती चीज़ को महंगा करके बनाया हुआ है भाई, एक महंगी लग रही है। अलग ही बाल्टियाँ शाल्टियाँ लटकाई हुई है, और वो सिलाई मशीन की एक्सीलेटर है गाड़ी का, मतलब अलग ही लग रहा था यार, मतलब अच्छा लग रहा था बहुत। काले की साइकिल है यहाँ पे खड़ी हुई, ये भाई ये भी पुरानी साइकिल है। मैं मिट्टी में हो रही है ये तो, ये ही है मिट्टी भी नहीं है लेकिन हो गई बेचारी। जिस तरह कायदे आजम की कराची में गाड़ियाँ खड़ी की हुई है ना, वो तो बहुत चिकनी खड़ी की हुई है, ये पता नहीं ऐसी क्यों हुई। एक इतनी सी भी मिट्टी नहीं है भाई, ये हो गई है, कदीम किस्म की हो गई है, 1952 की साइकिल है ये, देख सकते हैं आप लोग। चले जी तो भी ये चाहिए खरीद लिया। और दिख गया ये विशिंग, मतलब भाई
इसके अंदर हम लोग डालेंगे सिक्का तो आपकी विश पूरी हो जाएगी। मतलब देखें, ये देखें सिक्के पड़े हुए हैं इसमें छोड़े छोड़े, यहाँ पे लोग विश करते हैं भाई कुछ भी, कुछ भी। मतलब ये है, मतलब कुछ लोगों का मानना है ऐसा कि हम विश मांगेंगे तो ये कुआं हमारी पूरी कर देगा। हाँ अरे भाई अजीब, मतलब विश पूरी कर देगा कुआं। अरे भाई सही जा रहे हैं। यहाँ पे हम व्लॉग को एंड करते हैं और व्लॉग को एंड कर रहे हैं जी। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो भाइयों को ज़्यादा दीजिए और सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, लाइक ठोके ठोकते जाएँ। और अल्लाह हाफिज़ जी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।